अस्सलाम वालेकुम नाजरीन हम अपने प्रोग्राम मीडिया फोकस के प्रोग्राम मरूफ पाकिस्तानी के साथ हाजिर हैं आपका मेज़बान मसूद रिजवी। आज पहले की तरह एक और बहुत मरूफ़ और मशहूर पाकिस्तानी हमारे मेहमान हैं और हम हमारी खुशकस्मती है कि वो इस वक्त हमारे साथ हाज़िर हैं और उनको तो ख़राब देख के मैं इतना कह सकता हूँ कि वो इस किस्म के पाकिस्तानी हैं जिनको कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा बड़ा ख़वान हजरात सब जानते हैं नाम से भी शक्ल से भी हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने अपनी बे इंतहा मसरूफियात के बावजूद हमारे लिए वक्त निकाला और इस प्रोग्राम में आने के लिए रजामंदी की आज के हमारे मौजूद मेहमान हैं और मारूफ पाकिस्तानी जनाब जहीर अब्बास साहब जहीर अब्बास साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने सर यू मोर देन वेलकम आप इज्जत के काबिल लोग हैं तो हमने कहा आपको इंटरव्यू भी दिया जाए और क्यों ना दिया जाए <laughs> बस ये हमारी भी खुशकस्मत थी कि आपने दिया तो आप शोब खेल में और क्रिकेट में मतलब एक बड़ा आला मकाम रखते हैं और पाकिस्तानियों के दिल में बहुत इज्जत का मकाम रखते हैं कि आपने पाकिस्तान के लिए बड़े लॉरल्स अचीव किए हैं आप ट्रेडिशन के मुताबिक इस प्रोग्राम की मैं आपसे कुछ ऐसी बातें करूंगा जो कि आम पाकिस्तानी या नाजिर को नहीं मालूम होती हम शुरू करते हैं उमन आपके बचपन के हालात बहन भाई पेरेंट्स कहाँ पैदाइश स्कूल कॉलेज और वहाँ से फिर कुछ आपकी फिर जो क्रिकेट की जो अचीवमेंट्स हैं या जो जो वक्त आपने क्रिकेट में लगाया उसके बारे में कुछ सवाल मैं आपसे करूँगा और ज़्यादा वक्त मैं आपको दूंगा बोलने का मैं कम बोलूँगा इसलिए कि नॉर्मली ये होता है कि कुछ लोगों ने शिकायत ही की थी कि जी जो एंकर पर्सन है ख़ुद ज़्यादा बोलते हैं और जिसको बुलाते हैं उसको कम मौका देते लेकिन मैं शुरू से ये रखा इस प्रोग्राम में कि मौका दिया जाए जिनको कि बुलाया गया है तो आप बताएं शुरुआत आपकी बचपन सर मेरा बचपन बड़ा सादा था सिंपल था मेरे वाले साहब क्योंकि ख़ुद एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे वो प्रोटेक्शन में डायरेक्टर थे और उन्होंने बाहर जाके यूटा स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़े थे वहाँ पी वगैरह किए थे और ख़ानदान का सबसे बड़ा होते हुए घर का सबसे बड़ा होते हुए वो ये चाहते थे कि मेरा बेटा बहुत पढ़ लिख जाए ग्रेजुएशन तो कर लिया लेकिन उसके बाद क्रिकेट ने मुझको क्रिकेट नहीं पढ़ने नहीं दिया पढ़ने नहीं दिया तो जनाब वो जब, क्या चाहते थे कि आप डॉक्टर बने या जी जी डॉक्टर बने इंजीनियर बने या मेरा नाम रोशन करें कम से कम मैं पढ़ा लिखा बाप हूँ तुम्हारा जी जी तो पढ़े लिखे बाप की ख्वाहिश होती है पढ़ा लिखा बड़ा बेटा तो हो कम से कम अज होने तो सभी चाहिए लेकिन ख्वाहिश होती है जैसे कि आपको पता तो तो ही है जी जी, जी, जी। लेकिन ये था कि जब मैं सेवेंटी वन में कादेजम ट्रॉफी होती है जी हमारी जी बहुत मशहूर है प्राइस और उसमें कोई स्कोर कर ले तो इसका मकसद ये है सबसे ज्यादा स्कोर कर ले उस जमाने में एज भी मेरी बहुत कम थी तो हमने जरा सबसे ज्यादा स्कोर कर लिया पाकिस्तान में हमारा नाम आ गया न्यूजीलैंड के खिलाफ और ये कौन से साल की बात है ये हाँ जी अब साल नाम पूछे, पूछे।, पूछे। तो ख्याल मैं बता देता हूँ साल उन्नीस सौ सत्तर हो गया था जी बिल्कुल सही फरमाया आपने जी हाँ तो मैंने पहले टेस्ट मैच में बिल्कुल स्कोर नहीं किया ज्यादा ये न्यूजीलैंड के खिलाफ था न्यूजीलैंड का जब स्कोर नहीं किया तो उसको ड्रॉप कर दिया तो यूनुस अहमद भी आए हुए थे वो भी और नजीर जूनियर भी जिन्होंने पहला टेस्ट मैच वगैरह खेला ये, ये यूनुस वही जो सरे में खेलते थे जी जी एग्जैक्टली exactly, सईद के भाई थे सईद अहमद सईद अहमद साहब के भाई थे अब जब ये बात हुई तो मुझको ड्रॉप कर दिया तो यूनो सहमत मुझको बोलता है जेड जेड मुझे कहते अच्छा क्यों ये गोरे ने मुझे ये नाम दिया है क्योंकि काउटी में जहीर अब्बास बोलना उनके लिए बड़ा मुश्किल था तो वो जेड कहते थे कि जहीर अगर मुझे ड्रॉप कर दें इतना स्कोर करने के बाद तो ये ट्रॉफीज होती क्यों है तो ना करें बहरहाल ड्रॉप कर दिए गए ठीक है बस में आए थे बल्ला लेके बस में वापस चले गए हाँ बल्ला लेके ये जी हमारे पहले टेस्ट मैच की रूदात है हम लोग ऐसे हम लोग ऐसे क्रिकेट खेले हैं और पंद्रह या बीस रुपए रोज के मेला करते थे चार दिन का मैच था वो हम सौ रुपये लेके बड़े खुश हो गए कि सौ रुपये मिल गए और आजकल तो बच्चों को माशाल्लाह और क्यों ना मिले करोड़ों रुपए मिलते हैं सही और में उनको और दे हमारी ये ख्वाहिश है अच्छा हाँ। ये जो आप कहते हैं कि सिक्सटी नाइन में टेस्ट हुआ न्यूजीलैंड आपका डेब्यू हुआ उसमें और उसके बाद आप ड्रॉप हो गए तो फिर ये जो इंग्लैंड का जो टूर था का उसमें फिर आप कैसे हुए कोई बीच में कुछ और किया था या क्या बात हुई नहीं 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 <laughs> वो क्रिकेट खेलना तो मैंने नहीं छोड़ा था yeah. तो फिर मैंने सबसे ज्यादा स्कोर कर दिया यही जो डोमेस्टिक तो 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 मैच है देखिए जी जो प्लेयर सेलेक्ट होता है वो डोमेस्टिक क्रिकेट होता है और जब दोबारा मैं सेलेक्ट हुआ तो मेरे वाले साहब ने कहा मरूम ने बेटा मैं तुझे लास्ट चांस दे, दे रहा हूं अच्छा इसके बाद तू बेहतर है क्रिकेट छोड़ ही दे तू जरा कॉन्सनट्रेट कर एजुकेशन पे ज्यादा जी तो मैंने कहा अबाजी आपकी बड़ी मेहरबानी आपने इजाजत दे दी देखिए क्या हो सकता है मेरे लिए तो जनाब हम इंत आलम साहब ने मुझे सिलेक्ट कर दिया उस वक्त इंतख्य आलम साहब ने मुझे रिकमेंड किया कि जहीर को खिलाएं। अच्छा। टीम में सेलेक्ट करें क्योंकि इंतखब आलम साहब एक रोज प्रैक्टिस पे आए और हम लोग कुछ लड़के मोटरसाइकिलों पे प्रैक्टिस पे गए हुए थे ये आपके जो पहला टेस्ट था ये उससे पहले की बात है या इस दरमियान की बात है नहीं जी ने... पहले टेस्ट मैच के बाद की बात बाद की बात है जी जब इंग्लैंड टीम जा रही थी अच्छा जब इंग्लैंड टीम जा रही थी जब और इंतखाब कैप्टन थे उस वक्त जी कप्तान आप, थे अब जब इंतखाब आलम साहब मुझे गेन करने आया नेट्स पे तो मैंने अच्छा खेला उनको और उन्होंने पूछे लोगों से कि ये लड़का कौन है और कहा जी ये 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 लड़का है जहीर लड़का है और इसने इस ट्रॉफी में भी सबसे ज़्यादा स्कोर किया पीसी वाली ट्रॉफी में भी सबसे ज़्यादा स्कोर किया है जी जब नाम सिलेक्ट होने लगा तो इन्होंने मेरा नाम इंतखब आलम साहब ने सिलेक्टर्स को कहा कि जी इसको सिलेक्ट अब सिलेक्ट हो गए तो जब टीम इंग्लैंड जाने लगी जी तो मेरे वाले साहब ने कहा बेटा ये मैं तुझे आखिरी मौका देता हूँ इंग्लैंड जा रहा है तो तु, अगर तुझे अगर तू तु कामयाब नहीं होता है या कुछ ऐसी बात होती है कि तुझे नहीं खिलाते तो फिर तू क्रिकेट छोड़ ही देना मैंने कहा ठीक है आपने जो भी कहा है वो पूरा करूँगा मैं इंग्लैंड गया तो मुझे लोगों ने बताया बल्कि हनीफ मोहम्मद साहब ने ये बताया जी कि जही तुम नंबर तीन ही की प्रैक्टिस करो वो तो ये था कि अच्छा था कि हनीफ मोहम्मद साहब मेरे गुरु थे अच्छा आप आ, उनको गुरु अपना मानते हैं? बहुत बड़ा नाम तो उन्होंने कहा ज़हीर तू इंग्लैंड में नंबर तीन ही करेगा तू देख लेना सईद अहमद साहब नंबर तीन नहीं जाएंगे बल्कि वहां पर कोई भी नंबर तीन इंग्लैंड में क्योंकि बॉल मूव होती है तो कोई भी नंबर तीन नहीं जाना पसंद करता खैर मैं गया पहला मैच मूस्टर्स के खिलाफ होता है और जिसमें के सारे के सारे टॉप प्रेस वाले टाइम्स के या एक्सप्रेस के आए या जो भी नाम आप ले लें जो, जो इंग्लैंड के पेपर्स हैं उनके जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट दी टॉप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट होते हैं वो आए हुए होते ग्राउंड पे तो जनाब ग्लेन टर्नर ने पाकिस्तान के खिलाफ सौ भी किया सौ भी किया समझ रहे हैं आप जी हाँ खैर जी अब हमारी बारी आई तो ये हुआ कि जनाब जहीर अब्बास साहब नंबर सेवन सईद अहमद साहब नंबर थ्री और बाकी ओपनिंग मैंने तीन चार स्वेटर पहने कम्बल लिया और बाहर बैठ के बहस देख लेने लगा ड्रेसिंग रूम से मैंने कहा यार अगर मैं नंबर सात यहां आया हूं एन ओपनिंग बैट्समैन सोचने की बात और सबसे ज्यादा स्कोर किया दो दफा एज ए बैट्समैन मैं नंबर सात क्या खेलूंगा ऑब्वियसली नंबर सात तो वो खेलते हैं जो कि ऑलराउंडर्स होते, yeah. होते हैं या फास्ट बॉलर्स होते हैं या स्पिनर्स होते हैं खेलते हैं हमारे जमाने में तो यही होता था मैंने एकदम से देखा है पांच छह सीनियर प्लेस बाथरूम की तरफ जा रहे हैं वॉशरूम की तरफ जा रहे मुझे कुछ ख्याल आया कि हनीफ मोहम्मद साहब की तो ये बात नहीं हो रही कि ये सईद अहमद साहब नंबर तीन नहीं जाएंगे नंबर तीन से मुराद आपकी वन कि वन डाउन जैसे डाउन नंबर तीन, तीन। ओपनिंग वन टू एंड थ्री हाँ जी मैं मुझे कुछ आया वाया तो नहीं था लेकिन मैं खड़ा हो गया पता करूं कि क्या बातें हो रही है कहा जी ये सही राम साहब नंबर तीन नहीं जाना चाहते मैंने कहा मैं नंबर तीन जाता हूं ऐसी भी क्या बात अच्छा मैं यहाँ क्रिकेट खेलने आ रहा हूँ बैटिंग करने नहीं। नहीं। आया हूँ तो और मेरा काम ही बैटिंग करना है तो मैं क्यों पीछे रह जाऊँ सही बात मैं नंबर तीन गया जी मैंने एक स्कोर कर और ये उसी टूर का पहला मैच था पहला मैच होता है अगेंस्ट या अगेंस्ट वोस्टर खैर जनाब आ गए तो अखबारों सारे इंग्लैंड के पेपर पे बहुत बड़ी बड़ी हेडिंग और टाइम्स में आ गया द एशियन ब्रेडमैन फ्रॉम पाकिस्तान अच्छा पहले ही मैच है अच्छा ये वे ये बड़ी खबर की बात है मेरे लिए भी पाकिस्तान नॉर्मली लोग समझते हैं कि जब आपने वो टू सेवेंटी फोर किया तेज थी कि उन्होंने आपको बता दिया कि आप क्या हो देख देख रहे हैं जी जो सीनियर जर्नलिस्ट होता है किसी भी अखबार का वो तो हर मैच देखता है ना जी और जो कि स्पोर्ट्स को कवर करता है जो उसमें स्पेशलाइज कर जाता है एग्जैक्टली तो जो क्रिकेट को पसंद करते हैं स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट तो वो तो मैच में बैठे ही होते हैं बिल्कुल उनकी आई कुछ थोड़ी तेज थी हमसे भी ज्यादा पाकिस्तानियों से ज्यादा तेज थी <laughs> तो उन्होंने आपकी बैटिंग से ज्यादा तेज थी उनकी उन्हों। <laughs> तो उन्होंने जनाब ये नाम दे दिया मैंने सारे अखबार देखे सब में मेरा इतना बड़ा 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 नाम तो आसिफ इकबाल मैंने कहा यार आसिफ भाई सब जगह मेरा नाम आया हुआ है टाइम्स में नहीं आया हुआ क्या चक कहने लगे ले जेड तूने पढ़ा ही नहीं सही तरीके से अच्छा उसमें तो आया है बीट दी ब्रेड फ्रॉम एशियन ब्रेड फ्रॉम पाकिस्तान अरे मैंने कहा मैं जाके ही देखूंगा <laughs> 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 तो जनाब ये इस तरह से एशियन ब्रेड मेरा नाम रखा पहले मैच में उन्होंने देख लिया होगा मेरा जिस तरह मैं बैटिंग करता हूँ ये तो इतने मैचेस वो लोग देखते रहते हैं तो उनको कम से कम आइडिया हो गया होगा तो ये है मेरा एशियन ब्रेडमैन नाम कहाँ पढ़ने का अच्छा कमिंग टू दैट उस पे जब पहला जस्ट देयर इन इंग्लैंड मुझे जो याद है me, right, जो जब पाकिस्तान आफ्ताब गुल थे और दूसरे सालिक वन ऑफ देम आफ्ताब गुल गॉट आउट और आप नहीं जी इंजर्ड हो गए थे उनको बॉल लग गई थी या yeah. कहने का मसा ये था कि हाँ। वो जो वन डाउन नहीं हो गया अगले हाज से तो आप वन नंबर थ्री यस एंड दैट या और वन नंबर थ्री पे मुझे जो अभी याद है कि जब फर्स्ट डे इट यू राइट

जी, देखे ना देखे हमारे तो बहुत बड़े बड़े नाम जब इंग्लैंड में गए थे तो हाँ। तो आप देखते हमारा रिकॉर्ड वगैरह वो तो किसी ने हनी भाई के अलावा किसी ने कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं किया था बिल्कुल लेकिन ये था कि जब मैंने 158 ये 159 पहले दिन किए जब 50 मेरे होने लगे तो मेरे साथ मुश्ताक मोहम्मद साहब खेल रहे थे कौन मैं मुश्ताद भाई यार एक रन तो ले लो कम अज कम मैं ये कह सकूं कि मैंने इंग्लैंड के खिलाफ पचास स्कोर किया अच्छा उन्होंने मुझे दिलासा दिया एव, आप इतना अच्छा खेल रहे हो कीप ऑन डूइंग गुड वर्क कम ऑन मैंने कहा एक रन तो ले लो फिर भी यार कम से कम पचास रन तो मेरे हो जाएंगे <laughs> खैर जी मैंने चौका मार दिया बॉल ऐसी आई जही चौका मार दिया उसके बाद जी मैंने सौ किए। लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था सच में एक्स, एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि मैं इंग्लैंड के खिलाफ कल का बच्चा जो पहले ही टेस्ट मैच में ड्रॉप कर दिया गया जो बाहर वाले लोग थे उन्होंने मुझे सही परख लिया अपने ही लोग ही नहीं परख सके और यह हमेशा से केस है कोई नया केस नहीं है हमेशा से ऐसे होता रहा है और होता रहेगा अगर जाहिल किस्म के लोग जो है ऊपर बिठा दिए जाएंगे बहरा जनाब फिर ये सारे अलकाफ वगैरह देखे रात को जब हम होटल गए तो मुझे मेरे मैनेजर साहब कहते जही साहब आज इधर खाना है आज इधर खाना है आज इधर खाना है आज उधर खाना है मैंने कहा कितने खाने भाई है और मैंने कहा बात यह है कि आई एम स्टिल बेटिंग इतनी देर में देखा तो कुछ काउंटी के सेक्रेटरीज अच्छा सलाउद्दीन साहब के पास आए मैनेजर थे कह लेंगे जी हम काउंटी में खिलाना चाहते हैं ये वो मैंने कहा सर अगर मैंने ये सोच लिया कि मैं काउंटी क्रिकेट खेलना शुरू कर दूँ और साइन कर दूंगा आज तो फिर तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन जो अभी मैं बैटिंग कर रहा हूँ वो वो नहीं रहेगी सही बात कि मैंने काउंटी क्रिकेट ये मेरा मतलब सोच थी कि अगर आप काउंटी क्रिकेट खेलते हो तो बहुत बड़े क्रिकेटर हो बहुत बड़े क्रिकेटर हो उस जमाने में टेस्ट मैचेस कहाँ होते थे पाकिस्तान के हार्डली दो साल में तीन साल में तीन, तीन मैच होते थे मुश्किल से मुश्किल से मुश्किल से हाँ वो आम मैचेस आम हो जाते थे कभी कॉमनवेल्थ आ गई कभी कुछ आ गई कभी कुछ आ गई तो मैंने जब वापस भेज दिया मैंने कहा यार मुझे बैटिंग तो कर ले दो अच्छा खाना खाने के लिए अब कबाद की बात ही है ना देखिए प्रोफेशनल लोग नहीं है ना वो आए उन्होंने कहा मैंने कहा सर आपने मुझे ये कहा था कि सात बजे नीचे आ जाएं या आठ बजे नीचे आ जाएं मैं आठ बजे से नीचे आया वो मैं आधे घंटे से ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता मैं जाके खाना खा लूंगा अपना और सो जाऊंगा क्योंकि कल मैं बैटिंग कर रहा हूं प्रोफेशनल वे यार कम अज कम अगर हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं है सर ये हमारे यहाँ सिस्टम नहीं, नहीं है मैं जाके सो गया जब मैं सो गया तो फोन आ गया के जहिर वो आपके लिए बहुत से लोग आ रहे मैंने कल लो और मुसीबत आ गई बहुत से लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं उनके घर वो ये तो मुझे दस ग्यारह बजे लेके आएंगे फिर वापस मैंने कहा जी नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है यह बहाना कर दिया या। और क्या कह सकता था दूसरे दिन बैटिंग करने गया मैंने टू सेवेंटी फोर कर दिया इंतखाब आलम साहब की मुझे बड़ी सपोर्ट उसके बाद से मिलनी शुरू हो गई बल्कि पहले से मिलनी शुरू हो गई बल्कि इंतबाब आलम साहब ही मुझको लेके गए थे इंग्लैंड जब उन्होंने बैटिंग प्रैक्टिस बैटिंग मेरी विकेट देखी थी प्रैक्टिस उनको पता चल जाता है बैट्समैन लेकिन इतने एक्सपीरियंस होते हैं बैट्समैन कुछ करेगा और पाकिस्तान पाकिस्तानी या इंग्लिश या या साउथ अफ्रीक नंबर तीन जाते हुए घबराते हैं क्योंकि बॉल काफी सीम और स्विंग करती है वहां बैटिंग करना के। नहीं है। और ग्रास जब हो तो फिर आपको पता है कोई भी नहीं जाना चाहता खैर दूसरे दिन आ गए फिर वो मैंने कहा आप बुलाए है पार्कर साहब कब क्रिकेट के वाले और दूसरे भी थे लेकिन मैंने मुझे किसी ने कहा था तो ब्लास्टर से खेलना वो ज्यादा बहुत अच्छे हैं तो मैंने उनसे साइन कर लिए उसके बाद मैंने जी सारे के सारे मैच सारे के सारे मैच खेले किसी एक मैच में रेस्ट नहीं किया अब आप ये अंदाजा लगाए हैं साहब के आमउमन इतनी लंबी इनिंग खेलने के बाद कोई भी बैट्समैन जो है वो रेस्ट करना चाहता है नहीं मैं तो सारे मैच खेलूँ मैंने 18 के 18 मैच खेले उस टूर के जो मैचेस उस टूर के सारे मैच खेले आदमी में खुद भी हिम्मत होनी चाहिए और वो भी नंबर थ्री पोजीशन पे और क्या जी और और कौन से पोजीशन हो सकते हैं जब नंबर तीन जबरदस्ती अपने <laughs> आप को मनवा लिया तो फिर तो ये है जी मेरी सबसे पहले और मेरे वाले साहब ने जो मुझे कहा था बेटा ये मैं तुझे भेज रहा हूं बहुत खुशी से भेज रहा हूं लेकिन अगर कोई बात ऐसी हो जाती है तो फिर क्रिकेट जो है बेटा छोड़ दे रहा ठीक है तो फिर आपने वो क्रिकेट नहीं छोड़ी और वो दोनों चीजें नहीं छोड़ी अब्बा की भी बात सुन ली <laughs> उन्होंने भी ये कहा ना बेटा तो नहीं बड़ी बाप के तो कदम चुभने चाहिए माँ बाप के तो कदम चुभने चाहिए बड़े ही अच्छे आदमी थे बहुत ही अच्छे आदमी थे बहुत ही अच्छे आदमी थे यहाँ मैं अपने नाजरीन के लिए आपकी जान से कि आपका नाम मशहूर है जहीर अब्बास लेकिन आज मैं बताऊंगा आपको पूरा नाम आप सादात में से सैयद जहीर अब्बास किरमानी जी जी और ये मेरे लिए भी एक नॉलेज की बात थी कि हमने ज्यादा नाम जहीर अब्बास और इंडिया के भी आपके विकेट कीपर किरमानी आप उनके साथ भी खेले वो जे. तो न, वो ही किरमानी के से जे, 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 जे. नाम से मुशतबा उनका नाम मुशतबा जी यूर राइट right. तो दिस इज जस्ट फॉर दी हमारे नाजरीन के इंफॉर्मेशन के लिए ये आपके डेविड फुट ने जो आपकी बायोग्राफी लिखी है उसमें उन्होंने एक बड़ी मजे की ऑब्जर्वेशन आपके बारे में की है उस पर आपसे ज़रा मैं थोड़ा सा वो चाहूँगा कि आप कहें कि ज़हीर इज़ नॉट अ गैरुलस गैरुलस पर्सन फिर मैंने डिक्शनरी को देखा ये लफ्ज में तो देखा कि उसमें वो गैरुलस का मतलब है जो आदमी बहुत बातें करता है टॉकिंग ही इज़ नॉट अ गैरुलस पर्सन कि आप क्वाइट हैं बस और दूसरा उसने उसी में एक और चीज़ चीज़ें जिसपे आपका मैं कॉमेंट कहा था थोड़ा बहुत कमेंट आप भी कर चुके हो उस पर किसी ने उनसे कहा कि दुण दुण भाई पाकिस्तान में क्रिकेट में जो बोर्ड है उसके साथ ज़रा ताल्लुक़ ठीक ठाक रखने चाहिए तो कहते हैं कि ये चीज़ हमने देखी कि जहीर में ये बात नहीं थी वो वी वुड बी क्वाइट वो अपने आप को क्वाइट रखता था इन चीज़ों में नहीं पढ़ता था तो इन ये जो दो चीज़ें उन्होंने कहीं डेविड फुट ने उस उसमे आपका इज़ नॉट अ पर्सन वो हमें पता है। नहीं वो बिल्कुल हकीकत है आपने खुद भी अंदाजा लगा लिया होगा कि मैं ज्यादा बातें करने का आदि नहीं हूँ ये भी कि नॉट गोइंग टू पार्टीज और यू नो ये इससे भी आप इजाफ़ करते थे जनरली वो हमें अभी भी ऐसा है कि बेगम साहब अगर जबरदस्ती करती है तो हम चले जाते हैं वरना तो वरना जाने का इतना शौक नहीं है घर पर ही बैठने का ज्यादा शौक है ज़्यादा बोलने का मैं आदी भी नहीं हूँ मैं अपना काम करने का ज़्यादा आदि हूँ कि किसी न किसी तरीके से बजाय इसके कि फालतू की बात की जाए फालतू काम किया जाए वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा <laughs> <laughs> अब कमिंग टू दिस हमारे जो इस वक्त स्ट्रक्चर uh, uh, है मतलब आप uh, आईसीसी के भी प्रेसिडेंट रहे उसके बारे में पहले आप बात कर लें फिर मैं इस पर पाकिस्तान पे आता हूँ कि हाउ डिड दैट कम्प इट वाज एन ऑनर फॉर पाकिस्तान कि आप आईसीसी को भी हेड कर चुके तो वो किस तरीके से हुआ और पाकिस्तान से उन्होंने नाम मांगे थे जी तो ये एक साल का टेन होता है जी एक साल का शेर जी तो इन्होंने मेरा नाम भेजा था और एक सौ चार कंट्रीज हैं जी हमारे जो एफिलियटेड है विद आई सी सी विद आई सी सी और एक सौ चार के एक सौ चार कंट्रीज ने मुझे वोट दिया था किसी ने नो no नहीं की नो no नहीं की no तो अब पाकिस्तान इसको इज्जत समझता है कि नहीं आई डोंट नो नहीं बड़े इज्जत की बात है <laughs> और ये भी आप ये भी कहीं मैंने सुना था वो आप तस्दीक करें कि आईसीसी के, के प्रेसिडेंट के लिए ज़रूरी नहीं कि वो कोई टेस्ट क्रिकेट खेला हो लेकिन ये कि टेस्ट क्रिकेटर्स कितने रहे इसमें प्रेसिडेंट तीन क्रिकेटर रहे हैं जी तीन तीन वो कौन कॉलन काउडरी थे जी कॉलन काउड्री थे कॉलन काउड्री मैं हूँ मैं जिंदा हूँ इसलिए जी जी अच्छा और एक साहब और थे मुझे नाम याद नहीं आ रहा तो जो जो, जो एज ए क्रिकेटर थे टेस्ट क्रिकेटर उनमें से तीन और आईसीसी तो बहुत पुरानी बॉडी है जी एक जी, वक्त में इट वाज नोन एज इम्पीरियल और जब से इंडिपेंडेंस और सारे स्टेट्स हुई हैं जो ब्रिटिश तो वो उन्होंने फिर उसको आईसीसी रखा लेकिन उसको इंटरनेशनल कर दिया जी जी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जी 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 इससे आपसे मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि आई में एज प्रेजिडेंट ये एक, एक आ, क्या कहना जी नॉमिनल एक पोजीशन है या कोई एग्जेक्टिव भी पावर्स हैं एज प्रेसिडेंट आईसीसी बहुत ज्यादा पावर्स तो नहीं।, नहीं है। लेकिन जैसे कि मुल्क का प्रेसिडेंट होता है जी और जो पता नहीं मैं वो डिस्कस करूँ कि नहीं करूँ लेकिन ये है कि बहरहाल इट्स इट्स एन ऑनर बिल्कुल इट इज़ एन ऑनर नॉट ओनली मुल्क के लिए सबसे बड़ी ऑनर होती है तो मैं कहता हूँ आई एम वेरी लकी वेरी लकी एंड सो आर वी पाकिस्तानी थैंक यू वेरी फ्रेंक मैम मैं तो बात दिल की बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में भी इस चीज़ को बड़ा एजाज समझा जाता है जो उनको आपको, आपको हासिल हुआ था अब आप ये बताएं कि हमारे कुछ आपने इशारा किया था अपने शुरू में कि क्रिकेट बोर्ड में आप क्या समझते हैं क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए जो जो क्रिकेट को की बेहतरी के लिए हो अभी तक तो कोई इंप्रूवमेंट नहीं आई जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बना है कोई नहीं लड़के ही खुद इंप्रूव किए आपने आप अच्छा। क्योंकि वो काउंटी क्रिकेट खेलते थे या उन्हीं की मेहनतें उन्हीं की मेहनतें जो है वही ग्राउंड पे नजर आती हैं आपको हमने वर्ल्ड कप जीत लिया ठीक है जी जी वो इमरान के कप्ता कप्तानी में जीत लिया तो ये कौन है कोई हमारे इतने बड़े इंस्टीट्यूशन तो नहीं है ना इंस्टीट्यूशन का अगर आप अंदाजा लगाए मेरे से तो मैंने सबसे ज्यादा स्कोर किया और सबसे पहले टेस्ट मैच में बाहर हो गया तो ऐसे इंस्टीट्यूशन का क्या फायदा जिसमें आप सब सब कुछ करके भी बाहर हो गए सॉरी इतने दिन आप एसोसिएटेड रहे पाकिस्तान क्रिकेट के साथ और आईसीसी को भी हेड किया तो अब उस तजर्बे के साथ आप बता नहीं सकते क्या कुछ किया जाए बेहतर करने के लिए बेहतर करने वाला ही बेहतर कर सकता है बॉल के बॉल के बेहतर नहीं हो सकता ये याद रखिएगा बड़े बड़े आए बाजो ने अच्छे भी काम किए लेकिन टू तो सम अच्छा देखिए ना इसके लिए तीन चार साल की आपको एक मिलनी चाहिए जिसमें आप बैठ के प्लान कर सकें प्लान कर सकें और फिर प्लेयर्स उसको कभी आपने बनाया आपने देखा कि भाई ये लड़का नहीं आपने बदल दिया बदलने के बाद दूसरा बदल दिया बात ये है कि इसको प्लीज लीव इट टू क्रिकेटर्स उनको ज्यादा पता है और जब आप किसी क्रिकेटर को बनाते हैं ना कुछ तो उसका आपको पता भी होना चाहिए कि ये किस टाइप का आदमी है और अगर आप किसी ऐसे वैसे को बना दें तो फिर क्रिकेट तो खैर बेहतर होनी ही चाहिए लेकिन ये कि फिर यारी दोस्ती ज्यादा चलेगी तो आपकी नजर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को किसी क्रिकेटर को हेड करना चाहिए मेरा तो हंड्रेड परसेंट यही ख्याल है कि क्रिकेटर को आना चाहिए क्योंकि ये पैसा ही क्रिकेटर का है ये जो पैसा है पीसीबी इसका पैसा ही क्रिकेटर का है और दूसरे आके उसको चलाते हैं ये कहा का तरीका है आते हैं लोग नौकरियां दे देते हैं किसी को बीस लाख की नौकरिया किसी को तीस लाख की नौकरियां मिल रही हैं मजाक हो रहा है हमारा पैसा बर्बाद हो रहा है हमारा ही पैसा जो है वो बर्बाद होता चले जा रहा है भाई क्यों ये तो क्रिकेटर पे खर्च हो ना जब क्रिकेटर को ये पता होगा कि ये पैसा हम पे खर्च हो रहा है तो उसको सीरियस लेगा रिटायरमेंट के बाद तो उस क्रिकेटर की कोई वैल्यू नहीं रहती लेकिन जो क्रिकेट बोर्ड में ज्यादातर हैं जो बोर्ड में मुख्त जगहों पर वो क्रिकेटर्स ही हैं नहीं तो पैसा उन्हें खर्च हो रहा है नहीं वो कुछ लोगों पर खर्च हो रहा है देखिए एक आदमी की सोच है ना अगर क्रिकेटर नहीं है तो सोच जो है उसकी डिफरेंट है वो दूसरे लोगों से पूछता फिरेगा या किससे पूछेगा वो भी दूसरे ही क्रिकेटर से पूछेगा जो उसकी या जो उनके दोस्त होंगे उनके जरिए पूछेगा ना क्योंकि खुद तो उसको कुछ इल्म ही नहीं है किसी नहीं। बात का कभी ये ऐसा होगा तो कभी ऐसा होगा तो कभी ऐसा होगा फिर दूसरे साल तीसरे साल फिर बदल के दोबारा वही हो जाता तो क्या मजाक बना रखा है आपने स्पोर्ट्स का क्रिकेट का देखिए स्कॉश खत्म हो गई हॉकी खत्म हो गई सारे स्पोर्ट्स खत्म हो गए, गए। सिर्फ स्पोर्ट एक स्पोर्ट्स रह गया जिसमें अभी तक पब्लिक का इंटरेस्ट है और ये कब ख़त्म कर देंगे गॉड नोज अच्छा जहरवाज़ साहब आपके करियर के दौरान एक और बहुत बड़ा इवेंट या डेवलपमेंट हुआ था वो था कैरी पैकर सीरीज़ तो उसके बारे में कुछ बताएं कि उसने क्रिकेट को हेल्प किया या डैमेज किया और अगर हेल्प किया तो किस तरीके से जी मैं बताता हूँ आप देखिए सबसे पहले तो मैं आपको यह बताता हूँ कि जब मैंने 274 किया तो उस ज़माने में हमें पाकिस्तान से और उससे पहले पंद्रह रुपए रोज के मेला करते थे अच्छा अच्छा उसके बाद जब मैंने काउंटी से साइन कर लिए ग्लॉस्टर से तो हम जिम्बावे गए अच्छा सुबह सोने वाली बात मैं सो रहा था दो दिन के बाद जब वहां पहुंचे कह जिम्बाबे ठक 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 कोई पौने सात बजे या साढ़े छः बजे के करीब ये होटल के, के कमरे में मैं दोस्त के घर ठहरा हुआ था दोस्त के पास अच्छा यूसुफ खट 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 अरे मैंने कहा क्या मुसीबत है? मैंने कहा क्या बात है यूसुफ क्या बात है सब खैरियत है कह लेंगे दरवाजा तो खोल तेरा नाम आया है अरे आप किस बात पे नाम आ गया भाई क्या तेरा वर्ल्ड इलेवन में नाम आया और तेरा कैप्टन जो है वो गैरी से है और तुम लोग ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो देखिए कल का बच्चा जिसका के बाप उसको कह रहा है बेटा ये तेरा <laughs> लास्ट है जी उन्होंने भी मेरे फायदे के लिए कहा था तो, मालूम यह हुआ जी वर्ल्ड इलेवन में खेल रहा दो रन करके पाकिस्तान के लिए वो भी आपके वाले की तरफ से आपको एक चैलेंज था चैलेंज बिल्कुल बिल्कुल चैलेंज बिल्कुल चैलेंज। तो अब आप ये अंदाजा लगा रहे हैं। जब हम गए वर्ल्ड इलेवन से गैरी सोफिस की कप्तानी में खेले खूब खेले और ढेरों डॉलर मिले वहां के हमने कहा यार ये तो कल तक तो हमें रुपए <laughs> बहुत ही कम पैसा मिलता था ये एकदम से क्या हो गया भाई जी उसमें उसके बाद कर रहा हूं कि सर, उस वर्ल्ड लेमन जो बनी उसमें और भी कोई पाकिस्तानी था जी इंत आलम थे और आसिफ मसूद थे आसिफ मसूद इंडिया से भी प्लेयर थे बिशन बेदी सुनील गवास्कर और एक और फारूख जीत फारूक खैर जी हम गए हमने ऑस्ट्रेलिया नहीं देखा था ऑस्ट्रेलिया भी देखा क्रिकेट भी खेली एक्सपीरियंस भी मिला और फिर गैरी सोवर साहब से इतने बड़ा क्रिकेटर बहुत बड़ा नाम बहुत ही बड़ा नाम उनसे भी मुलाकात हो गई उनके साथ रोज ही हम बैठते थे बैठते थे ये जो एक्सपीरियंस होता है ना जी काउंटी क्रिकेट का और वर्ल्ड इलेवन का ये आपको मिला दे मिला देता और फिर आपकी ऐसी एसोसिएशन हो जाती है कि आप ठग फोन करें ठग फोन करें बात करें क्या हो रहा है कल हम सोचते भी नहीं थे कि हम गैरी सोबर से बात कर सकेंगे जिस तरह मैं हनीफ मोहम्मद से बात करते हुए डरता था कि हनीफ भाई कहीं बुरा ना मान जाए मैं सुनता था वो जो बात करते थे मैं सुनता रहता था ज्यादा सवाल नहीं करता था मैं ना बुरा ना माने लेकिन जब आपकी खुद की तूती बोल रही हो जी yeah. हाँ सब सुनते हैं। हमारे पाकिस्तान में नहीं सुनते <laughs> दुनिया में सुनते हैं। मैं बार 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 yeah. बार पाकिस्तान इसलिए ah. कह रहा हूं मुझे एक्सपीरियंसेस जो हुए हैं, ah. हाँ, उसका मैं आपको yes. ये लुबे बता रहा हूं या तो ये है कि मैं खामोश ज्यादा रहता था मैं टीवी पे ज्यादा आके बोलता नहीं था अखबारों में ज़्यादा नहीं बोलता था।, था। ये भी मेरा हो सकता है ये भी सबब हो लेकिन जो भी है आई एम वेरी हैप्पी सर वेरी हैप्पी बस खुदा मुझे मेरी सेहत दे मिया ने मुझे जो मेरी तबीयत ख़राब थी उससे उठा दिया है और मैं अल्लाह का करम है कि अब रोज़ एक्सरसाइज करने जाता हूँ और वॉक करता हूँ तो मुझे खुशी है कि ये सब कुछ जो हुआ ये मेरा इम्तहान था इम्तहान में पूरा होता अच्छा कमिंग बैक टू दैरी पैकर वो जो सवाल था कि जी सॉरी कैरी पैकर साहब ने ये क्रिकेट शुरू की थी जब उनको ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट नहीं दी गई उनका टेलीविजन चैनल था जी एबीसी कोई चैनल था उस पर ये पैसे देते हैं तो उस एबीसी चैनल पे वो ज्यादा पैसे नहीं देते थे ठीक एबीसी नहीं देता था नहीं देता था ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को एसीबी को ठीक तो इन्होंने कहा भाई ये ये ठेका तो नहीं ले रखा ना ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने और, और सॉरी ये क्रिकेट ये, ये एबीसी एबीसी ने तो कैरी पैकर ने सबसे ज्यादा पैसे फ्लोट किए ठीक फिर भी नहीं दिया तो उसने कहा मैं खुद ही प्लेयर्स बुलाता हूं अच्छा तीन साल का हमारा कॉन्ट्रैक्ट था बे इंतहा उस जमाने में उस लिहाज से तो बहुत ज्यादा पैसे मिलते थे जी 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 लेकिन यह है कि क्लोदिंग डिफरेंट हो गई है कलर्ड हो गई बॉल डिफरेंट हो गई सफेद बॉल हो गई तो ये जो आप मॉडर्न क्रिकेट आप देख रहे हैं ये कैरी पैकर के मरहूने में ना। ना। मैं तो कहता हूं कि के कैरी पैकर ने एक नया रास्ता खोल दिया उसके बाद जो 2020 शुरू हुई है वो आपने देख ही ली है वो बड़ी फेमस हो गई और कमाल की बात ये है साहब चार ओवर करें और लाखों हम पाउंड बना के लेते ले सिर्फ ले। चारों हम तो मर जाते थे चार चार पाँच पाँच दिन बैटिंग करके फील्डिंग करके ये वो। फिर कहीं जाके इतना सा हमको पैसा मिलता था अब तो साढ़े तीन घंटे में एक टीम साढ़े तीन घंटे में एक टीम माल ही माल तो ये कैरी पैकर के जो ये था टीमों का मुकाबला था ये ये फाइव डे का नहीं ये तो बेसिकली वन डे बेसिकली तो नहीं, नहीं पांच दिन का भी था दिन, चार दिन, दिन का, का था बिल्कुल था लेकिन <coughs> ये कि मतलब नई चीज शुरू कर दी वन डे भी था देखिए जब क्लोथिंग आ जाती है ना तो ये फाइव डे था जो फाइव डे था वो भी कलर क्लोथिंग में था जी हाँ बिल्कुल 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 मैं बता रहा हूँ ना जी बॉल बॉल भी लाल नहीं थी दूसरी बॉल थी सफेद बॉल थी और, और जो स्क्रीन था वो ब्लैक था ब्लैक हो गया। तो हर चीज बदल गई कपड़े बदल गए, रहे। बदल गए। समझ रहे हैं? जैसे फुटबॉलर कपड़े पहनते वो था तो एक नई चेंज आ गई क्रिकेट में और वो अब तक चल रही है अब वो उस जमाने की कैरी पैकर सेवेंटी सिक्स और अभी तक चल रही है अभी तक कोई चेंज नहीं आई है उसमें जी हाँ कैरी पैकर ने तो क्रिकेट का भला ही किया रेवल्यूशन कर लिया बिल्कुल बिल्कुल भला किया तो उसके बेहतर नतजे निकले उसमें बिल्कुल जी बिल्कुल निकले बिल्कुल निकले क्रिकेटर्स को भी निकले क्योंकि इनको इनके पास पैसा आ गया देखिए अगर आप आपको ज्यादा पैसा मिलेगा ना क्रिकेटर को तो इंप्रूवमेंट भी ज्यादा होगी मेहनत भी ज्यादा करेंगे Yeah. कोई ड्रॉप नहीं होना चाहेगा सही बात तो ये चीज़ें एक सवाल आज से अब कमिंग बैक टू पाकिस्तान कैप्टनसी के इश्यूज रहे हैं या एक मैं जावेद मियाज साहब की बायोग्राफी पढ़ रहा था तो उसमें उन्होंने एक चैप्टर लिखा ऑक्सब्रिज के नाम से तो ऑक्सब्रिज से उनका मुराद ये थी कि ऑक्सफर्ड और कैमब्रिज के मिला कर उन्होंने कहा जी ये तस्वीर है पाकिस्तान में कि जी कैप्टन जो पाकिस्तान का होना चाहिए उसको अंग्रेजी सही बोलनी आनी चाहिए हाँ. तो ये और उससे वो जावेद बड़े से इख्त कर रहे हैं हाँ. तो आपका अपना व्यू क्या है कि क्या ये जरूरी है लेकिन अगर अंग्रेजी बोलना आए तो बहुत अच्छी बात है अगर आप पढ़े लिखे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है अगर नहीं आए और क्रिकेट की नॉलेज है आपको उर्दू मीडियम भी है तो क्या फर्क पड़ता है आपकी अपनी जुबान है

तो परफॉर्म भी किया और गुजारा तो भी कर लिया देखे 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 तो ऐसी को... कोई बड़ी शर्त नहीं होनी चाहिए कि जी उसको नहीं नहीं शर्त की <laughs> क्या बात है अंग्रेजी उसकी सही होनी चाहिए आ, आप किसी अंग्रेजी मुल्क में थोड़ी पैदा हुआ <laughs> <यहीं बात> लेकिन <laughs> ये है कि आनी चाहिए, आनी चाहिए। अच्छा है आपके लिए आपकी नॉलेज के लिए अच्छा है आपकी आप दुनिया में इंटरनेशनली बात कर सकते हैं आप सबको लोग समझ सकते हैं जब आपको समझेंगे तो लाजमी बात है उसको आपके मुल्क की नॉलेज बढ़ती जाएगी कोई और दूसरी बातें जो हैं जब तक कि आप उसको उसकी अपनी जुबान में नहीं समझाएंगे उसको समझ नहीं आएगी लिहाजा अंग्रेजी बोलना ज्यादातर कंट्रीज अंग्रेजी बोलते हैं तो हमें भी बोलनी चाहिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिल्कुल सही है इसी के साथ आपसे आपकी करियर के हिसाब से ये सेंचुरी ऑफ सेंचुरीज उसके बारे में कुछ आप बताएंगे कि बिकॉज दैट इज़ अगेन अ वेरी बिग ऑनर फॉर द कंट्री मेरे ख्याल है शायद आपके अलावा ये एक दो ही और खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये अचीव किया है दुनिया में और भी प्लेयर्स हैं जिन्होंने हंड्रेड हंड्रेड किए हैं लेकिन एशिया में मैं मैं एक खिलाड़ी जिसने किए हैं और तेंडुलकर भी नहीं है अभी तेंडुलकर नहीं जी नहीं 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 कोई भी सेंचुरी नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं। भी। एशिया में आई एम द ओनली वन और दूसरा ये कि मैं एक रिकॉर्ड बता दू कि सौ तो किए हैं लेकिन जब मैंने सौ सौ किए थे तो डबल हंड्रेड स्कोर टू हंड्रेड टू हंड्रेड स्कोर, कर, स्कोर करके स्कोर किया बाइकॉट ने हंड्रेड किया था हंड्रेड हंड्रेड तो उसने सौ रन करके किया था तो आई एम दी वन एट द मोमेंट एट द मोमेंट के जिसने डबल हंड्रेड किया है सौ सेंचुरियां करने और ये भी आपका रिकॉर्ड है कि उसी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आ, आपने को आठ दफा यानी डबल सेंचुरी और सेंचुरी एक ही एक ही मैच मैच में जी, जी की है।, है और वो आठ के आठ नॉट आउट नॉट आउट जी हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त हो पाया आपने ये भी डिटर्मिनेशन की बात है देखिए बात सुने अगर आप ड्रेसिंग रूम में बैठ जाएंगे ना आपकी क्या वैल्यू है मुझे बता एक प्लेयर की जी हाँ ये बैट्समैन की अगर वो ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ आउट होके उसकी कोई वैल्यू नहीं वैल्यू है अंदर। सही बात। दुनिया देख रही है वर्ल्ड देख रहा है ड्रेसिंग रूम में बैठे तो ड्रेसिंग रूम में थोड़े तो कैमरा जाएगा सही बात मैं इस चीज पे बिलीव करता था आपसे अब बहुत मुफ़ीद बातें हुई हैं आपका बड़ा एक अरसा रहा काउंटी क्रिकेट में ग्रोस्टर शेयर चौदह पंद्रह साल रहा हुआ जी हाँ और आपके साथ ही वहाँ पर सादक मोहम्मद भी होते थे लेकिन ये जो पंद्रह साल चौदह साल जो आपने काउंटी क्रिकेट खेली वो उसके जस्ट कुछ कुछ शेयर कर सके कुछ वहाँ के आपके शरीर पर या इंसिडेंट मेरे बहुत ही अच्छे चौदह पंद्रह साल गुजरे वहाँ सही बानों में क्रिकेट को और समझने भी मुझे आसानी हुई क्रिकेट खेलने के बाद जिस जमाने में मैं क्रिकेट खेलता खेला करता था उस में विकेट्स जो होती थी वो कवर्ड नहीं होती थी। सही है। वो चिकनी मिट्टी होती थी अगर बारिश हो जाती थी उसी पे खेलते थे उसी पे सौ करते थे उसी पे सौ सौ किए तो हमने वो वो काम कर लिए जो कि थोड़े किए मैं ये नहीं कहता कि बी के मैं प्राउड पाकिस्तानी जब मैं ये कहता हूं, मैंने किये वो उन, -उन विकटों पे तो मैं अपने नाम का नहीं बल्कि पाकिस्तानी की हैसियत से मैं खुश होता हूँ कि ये तो कर दिया जी हाँ ये तो बता दिया अब देखिए क्या होता है क्या नहीं लेकिन ये है कि हमारे यहाँ ज़रा थोड़े अप्रिशिएट करने वाले लोग समझ नहीं पाते ये क्या चीज़ें हैं तो हमें दुनिया को समझाना पड़ेगा या अब सौ सौ तो कोई नहीं कर सकता क्योंकि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी इतनी नहीं रहे अब तो ओडीआई ज़्यादा आ गई टी 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 ट्वेंटी, 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 ट्वेंटी आ गई काउंटी क्रिकेट भी है लेकिन सौ सौ करना या आठ दफा नॉट आउट है डबल हंड्रेड एंड हंड्रेड करके इतना साथ कर रहे शेफिल शील्ड भी है ऑस्ट्रेलिया में जी वो तो मैंने खेली नहीं नहीं, नहीं। मैंने पता कि वो फर्स्ट क्लास की क्रिकेट भी जाती है बिल्कुल बिल्कुल जिस तरह फुटबॉल जो है वो क्लब्स में खेली जाती है क्रिकेट जो है इंग्लैंड में क्लब्स पे खेली जाती है जी हाँ जी बिल्कुल हाँ। एक सवाल और आपसे चलते चलते करेंगे कि इस पूरे एज क्रिकेटर आपने किसी को आइडियलाइज भी किया बैट्समैन या बॉलर जी बिल्कुल किया और उनका नाम है हनीफ मोहम्मद साहब अच्छा वो मेरे गुरु थे आ, वो ख़ास तौर पे जो भी बातें करते थे मैं उनके करीब जाके बातें सुना करता था अच्छा कि ये क्या बात कर रहे हैं अपनी एक्सपर्टीज़ जो है वो किस तरह बता रहे हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मैं तो सारी ज़िंदगी उन उनका एहसान नहीं भूल सकता अच्छा। जो भी उन्होंने मुझे समझाया बल्कि जब सबसे पहली दफ़ा जब मैं पीआईए से आयरलैंड गया तो मैंने सबसे ज्यादा स्कोर किया yeah. वहां पर दूसरे क्रिकेटर्स भी गए थे तो ये 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 लड़का लड़का जो है ये लड़का, ये सबसे ज्यादा स्कोर करेगा अब जैसे इंतखाब आलम साहब ने मुझे सिलेक्ट करवाया सेवेंटी वन में प्रैक्टिस दौरान के दौरान कि भाई ये लड़का वैसी बैटिंग करता है तो आई होप के लोगों को भी रियलाइज करना चाहिए कि जब कोई सबसे ज्यादा स्कोर करता है तो उसमें टैलेंट होता है कोई उसने okay. कागज पेंसिल से स्कोर नहीं किया होता तो प्लीज लर्न प्लीज लर्न थैंक यू वेरी मच ग्रेट अब भी इसके खत पे आपके साथ बड़ी अच्छी फिटिंग रही है आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि Uh, जाने से पहले कोई यानी पैगाम कोई एड्रेस आप नौजवानों के लिए खिलाड़ियों के लिए या जनरली नौजवानों के लिए कुछ कहना चाहें मैं तो ये कहूँगा जी क्रिकेट खेले पहले तो ये होता था खेलोगे कूदोगे हो गए खराब और समथिंग पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब नवा उल्टा हो गया अब तो ये माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे क्रिकेटर्स जो है अगर वो दिन रात भी ग्राउंड में लगा देते हैं तो उनके लिए है? कम है क्योंकि आउटकम जो है उसका वो बहुत आला है बहुत आला देखिए जी अगर आपको अच्छी नौकरी मिल जाती है तो इससे अच्छा क्या है बिल्कुल अच्छी नौकरी है अच्छी नौकरी करें और मुल्क की भी खिदमत करें बहुत शुक्रिया ज़ीर अब्बाज़ साहब आपके साथ बड़ी अच्छी नशस्त रही और हमने बड़ा मैंने इन्जॉय किया मुझे उम्मीद है कि नाजरीन ने भी जब ये प्रोग्राम आएगा उससे महजूज़ होंगे और काफ़ी उनको आपके बारे में और आपके कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में उनको होगा बड़ी मेहरबानी जनाब आप तशरीफ़ लाए मुझे इज्जत दी आपने और आई होप के लोगों को मेरा ये प्रोग्राम पसंद आएगा पसंद तो ज़रूर आएगा क्यों नहीं आएगा क्योंकि हकीकत है हकीकत तो को अगर कोई पसंद नहीं करता तो और बात है कुछ हल्कों को शायद ना पसंद आए सर कोई बात नहीं मुझे इसकी भी फिक्र नहीं इसकी भी फिक्र नहीं बात यह है मुझे अपने तई सही होना है और मैं अपने तई सही हूं सही बात, That's सही right. बात।, That's right. बात। नाजरीन आपसे मैं इजाजत चाहता हूं आज की नशिस्त आपने देखी आप अपनी राय से हमें ज़रूर मतल करें हमारा ईमेल एड्रेस और टेलीफोन नंबर ये स्क्रीन पे आ रहा होगा इससे आप हमसे रबते में रहें हमें बताएं कि क्या किस तरीके से हम और बेहतर कर सकते हैं और ज़हीब्बास साहब जैसे शख्सियात को हम यहाँ मदूर करते रहें अपने इस प्रोग्राम में आपसे ईजाद चाहता हूँ असलम खुदा हाफ